स्टूडेंट्स, कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, बिटवीन द टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, राइट? है कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, पूरा डिस्टेंस इतना ले लेते हैं। ठीक है, लेट फॉर यू टोटल डिस्टेंस इज यस, राइट? या फिर इसको s by 2, इसको s by 2 लिख सकते हैं। कभी कभी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को 2s लिख के इसको ss लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ केसेस पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स कन्वीनियंट के लिए चलो s by 2 क्यों लेंगे, टोटल डिस्टेंस को 2s ले लेते हैं। ठीक है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, राइट? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s है ना, ये भी ले सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, और पहला काम कितने स्पीड में बुझाता है? 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? यस सर। दूसरा कितने में जाता है? 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? यस सर, नो? ठीक है, तो चलो एवरेज स्पीड पूछा है उसने, पूछा है ना स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वी एवरेज का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस, यस सर नो, बाय टोटल टाइम टेकन, है ना? यस सर। यस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हमने क्या ले लिया, 2s लिया हूं मैं, करेक्ट? यस सर। और ये जो डिस्टेंस, s डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? सो टाइम इज यस सर, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं ना? यस सर। चलो a टू c जाने के लिए उसको t1 टाइम लगा और b टू c जाने के लिए उसको t2 टाइम लगा, राइट? बदले में s by 40 लिख दिए, प्लस t2 के बदले में s by 60 लिख दिए, राइट? यस सर। तो अभी सॉल्व करते हैं, चलो पूरा चीज को, वी एवरेज इज इक्वल टू एस एस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, so it is 2 by 1 by 40 plus 1 by 60, right? So इसको ऊपर चला जाएगा LCM, 40 into 60, right? नीचे में 40 plus 60, है ना? Yes sir. Yes sir. So that is equal to कितना हो गया ये पूरा? सॉल्व करने के बाद you can see that is 48 kilometer per hour, right? Yes sir. Just note it. Note it sir. दूसरा आधा कितना है? एस है, करेक्ट? है कि नहीं? यस सर। उसने दिया कि पहला आधा को वो कितने स्पीड पे जाता है? 3 मीटर पर सेकेंड पे, राइट? है ना? और दूसरा जो है, दूसरा दूसरा सेकेंड पार्ट जो है कि नहीं, सेकेंड पार्ट जो है उसको क्या करते हैं, उसने सेकेंड पार्ट को जितना टाइम लगता है, मान के चलो यहाँ पर पहला हाफ में t1 टाइम लगा और सेकेंड हाफ में t2 टाइम लगा, करेक्ट? यस सर नो? यस सर। मतलब a टू b जाने के लिए t1 टाइम लगा और b टू c जाने के लिए t2 टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल। और उसने यहाँ पर दिया रखा है कि द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब t2 जो है ना, ये t2 है तो t2 by 2 ले लेते हैं, करेक्ट? यस सर। यानी तो फिर उसको t2 ले दो, पूरा लाइट टाइम को 2t2 ले लो, सो दैट आधा टाइम को क्या ले लेंगे, यहां से यहां तक का टाइम को t2 ले लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम को t2 ले लेते हैं। मतलब मैं t2 लेके t2 by 2 कर सकता, बट अपनी कन्वीनियंट के लिए मैं 2t2 ले लिया, पता है ना? यहां पर जैसे कि 2s ले लिया मैंने, मैं s लेके भी s by 2 कर सकता था, करेक्ट? यस सर। तो थोड़ा आसान होगा कैलकुलेशन पे, इसलिए s by 2 क्यों, 2s लेके उसको आधा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं टाइम t2 लेके उसको t2 by 2 कर सकता था, बट मैंने टोटल टाइम को 2t2 ले लिया, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना ले लिया मैंने, 2t2, और पहला आधा का जो टाइम है
दैट इज टी टी टू और ये जो आधा का टाइम है टी टू अंडरस्टूड है ना स्टूडेंट्स यस सर तो अभी बात है कि ये जो पहला आधा टाइम है ये जो टी वन इसी टाइम टी टू कितना स्पीड पे गया पहला आधा टाइम को एक में दिया हुआ है 4.5 मीटर पर सेकंड पे गया राइट यस सर दूसरा जो है उसने कितने टाइम पे गया 7.5 मीटर पर सेकंड ओके ठीक है स्टूडेंट्स यस सर हाँ सर हाँ सर ठीक है सर ओके अंडरस्टूड स्टूडेंट्स Yes, sir. तो टोटल डिस्टेंस को हमने 2s ले लिया राइट आधा डिस्टेंस 2s आधा डिस्टेंस s s को उसने 3 मीटर पर सेकंड पे गया फिर दूसरा आधा जो है उसको मान के चलो 10 सेकंड या 20 सेकंड कितना लगा मुझे नहीं पता बट पहला 5 सेकंड जो है पहला आधा अगर 2t2 लगा पूरा नेक्स्ट पे तो पहला आधा टाइम 4 मीटर पर सेकंड पे गया दूसरा आधा टाइम 7 मीटर पर सेकंड पे गया अंडरस्टूड ना यस सर स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैंने 2s ले लिया था इसको ss ले लिया था करेक्ट अगर मैं t1 निकालूं if I'll be finding t1 देखो यहाँ पर अगर मैं t1 निकालूं is equal to how much distance by speed ना students speed is equal to yes, time so time is x by 3 speed yes or no yes so distance by yes speed, distance कितना है distance is 2s लिया है ना distance को yes sir को कितना लिया है हम 3 Understood. So that is s by 3 second. पता चल गया? Understood? Yes sir. Yes sir. है कि नहीं? और देखो ये जो दूसरा s है इस s में ये तो s पता नहीं ना ये uniform नहीं है ना ये जो दूसरा जो s लिया है हमने है कि नहीं? उसको मान के चलो इस t1 time पे उसने s1 distance किया है और t2 time पे उसने s2 distance किया है correct students? क्योंकि time equal दिया हुआ है but distance तो equal नहीं जाएगा ना क्योंकि अलग अलग speed पे जा रहा है ना ये सर नो और यहाँ पर एस टू के बदले में क्या लिख सकते हैं 7.5 into Understood? और ये दोनों को जब मैं मिला दूंगा मतलब 4.5 t2 plus 7.5 t2 को मिला दूंगा तो total distance कितना है that is s ना yes sir क्योंकि yes, हमने sir. s ले रखे ना हमने यहाँ पर yes sir s यहाँ तक s right correct or not ठीक से देखो yes sir समझ पे आ गया ये वाला समझ पे आ गया second half में जो analysis हुआ और पहला yes sir t1 मिल गया correct yes sir ठीक है तो अभी टोटल टाइम कितना है स्टूडेंट्स टोटल टाइम इज हाउ मच t1 प्लस 2t2 ना यस सर नो तो यहां से कॉमन लेके t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 7.5 इनटू s यस सर नो इज इक्वल टू s करेक्ट ना सो t2 इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट s बाय 12 और नॉट यस सर और यहाँ पर t1 कितना आया s by 3 आया ना t1 correct t1 is equal to how much s by 3 right yes sir और 2t2 कितना है 2 into t2 मतलब s by 12 ना yes sir no ये कितना हो गया total time is equal to कितना हो गया चलो s common ले लेते हैं correct तो 1 by 3 plus 1 by 6 right This much second है ना? So 3/6 equals to 1/2. ये total time आ गया ना समझते? Yes sir. तो अभी average speed निकालेंगे. V average ठीक है? Average speed का क्या formula है? Total distance that is 2s लिया है ना हमने? Yes sir. By total distance कितना लिया हमने? Total time कितना है? S into 1/3 plus 1/6 right? Yes sir. S cancel कर देंगे. 6/3 का LCM कितना हो गया? 18. 18 into 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 है ना यस सर 6 बाय 9 कितना हो गया 4 अंडरस्टूड यस सर जस्ट नोट इट बेटा नोट इट सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो
A 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 kilometer per hour. Yes or no? The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meters. Students, यहाँ पर मैं दो चीज बताना चाहूंगा. ये क्वेश्चन तो हम करेंगे, ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे स्टूडेंट, ट्रेन का लेंथ कितना है? 150 मीटर. 150. ब्रिज का लेंथ कितना है? दिस इज ट्रेन, राइट? 850. दिस इज ब्रिज. कितना है? 850, है कि नहीं? देखो स्टूडेंट, जब ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाएगा, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा? क्योंकि अगर वो, अगर ये ट्रेन का पहला वाला हिस्सा है कि नहीं, ये ट्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन. ये जब इसको टच कर लेता है तभी तो क्रॉस नहीं करता है ना. जब इसका पीछे वाला हिस्सा यहां पर पहुंच जाता है कि नहीं, एट दिस पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. जब ये ट्रेन के पीछे वाला हिस्सा जब इस पॉइंट पे पहुंच जाता है ब्रिज के बाद में, तभी जाके हम बोलते हैं ना कि ये क्रॉस कर गया, करेक्ट? यस है कि नहीं? तो मतलब ट्रेन को ब्रिज का लेंथ 850 प्लस खुद का लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा, पता है? ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 850 प्लस 150. ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर. अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, राइट, और ट्रेन इसको क्रॉस करना चाहता है, ट्रेन का लेंथ 150 मीटर है, तो उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? वही 150, करेक्ट? क्योंकि ये सिर्फ इसको ही क्रॉस करेगा ना. बट ब्रिज को क्रॉस करना मतलब लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, मतलब ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा जब बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तभी हम बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर लिया. मतलब उसी टाइम पे ट्रेन कितना गया होगा? ट्रेन यहाँ से शुरू किया ट्रेन ने, ठीक है? नहीं, ट्रेन का ये वाला हिस्सा है ना, ये पॉइंट को हम देखते हैं, ये पॉइंट कितना? 150. ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 150, 850 प्लस 150 ना, करेक्ट स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेना, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? दैट इज खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, दैट इज 1000 मीटर, करेक्ट और नॉट? यस सर. यस सर. यस सर. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट? यस सर. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? यस सर. डिस्टेंस 1000 है और स्पीड 45 है. 1000 है, स्पीड है 45, करेक्ट? 45 किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर है सर. तो 45 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसको मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना ले लेंगे? 5/18. 5/18 ले लो, करेक्ट? सॉल्व कर दो. एप्रोक्सीमेटली विल गेट कि 18 है 9 into 5 45 है कि नहीं, एंड तो दैट विल बी 80 सेकंड, राइट? यस सर. सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? 80 seconds. Just copy कर लो इसको. चलो देखो. Question number 7 पे दिया हो, एक car moves x to y with a uniform speed v u and returns to x होगा, ठीक है? क्योंकि y को फिर कैसे return करेगा? ये मतलब. Returns to x with a speed of v d, then the average speed of the round trip कितना होगा, ठीक है? चलो देखते हैं students. Friend, average speed का formula आपको पहले से पता है. Total distance by total time taken, right? Yes sir. Yes, sir. और स्टूडेंट मान के चलो मैंने यहाँ पर ले लिया, लेट दिस इज एक्स पॉइंट, दिस इज वाई पॉइंट, है कि नहीं? स्टूडेंट लेट एक्स टू वाई जाने के लिए उसको टी वन टाइम लगा, राइट? है कि नहीं? एंड वाई एक्स फिर वापस आने के लिए उसको टी टू टाइम लगा, करेक्ट? यस सर. और यहाँ पर स्पीड कितना दिया हुआ है जब एक्स टू यू गया, तो वी यू, है कि नहीं? और टी टू रिटर्न किया वी डी स्पीड पे, राइट? स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से t1 निकालूं, t1 प्लस t2 अगर मैं निकालूं, तो टोटल डिस्टेंस xy मान लो, है कि नहीं? डिस्टेंस इज xy, राइट? यस सर. सो t1 कितना होगा? स्टूडेंट हाउ मच विल बी t1? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू xy बाय vu, डिस्टेंस बाय टाइम, t1. यस सर. तो t1 इज इक्वल टू हाउ मच? xy बाय vu, मतलब जब जा रहा था, करेक्ट? है ना? T1 plus T2 में हम क्या लिख सकते हैं सर? XY by VU लिख दीजिए, करेक्ट? प्लस T2 में क्या लिखूंगा? XY by VD लिखूंगा ना, राइट और नॉट? यस सर. नो. यस सर. तो XY कॉमन लाने से क्या करूंगा मैं, इसको LCM ले लेता हूँ, VU plus VD ऊपर कर दिया, नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, VD, राइट? है कि नहीं स्टूडेंट? सो मुझे ये टोटल टाइम मिल गया, राइट? और उसने xy डिस्टेंस गया, फिर xy डिस्टेंस आया, मतलब डबल डिस्टेंस इज, टोटल डिस्टेंस इज 2xy, राइट? यस सर. है ना? सो अगर मैं मतलब इसका इंटीग्रेट करेंगे, हां, जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2xy डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज xy को कॉमन लिए थे, दैट इज vu + vd
divided by VU VD, right? है ना? तो XY cancel. So V average is equal to how much? 2V. 2 into VU VD by VU plus VW. VU plus VD. Right? समझ पे आ गया? Yes, sir. कैसे आया? So आप यहाँ से देख सकते हो, this is the option, right? ये जो option है तो that is पहला option, right? है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जो 7 को कॉपी कर डालो सर, 7 सी देखो स्टूडेंट, 7 पाई आर नंबर 9 स्टूडेंट्स देखते हैं. एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 सेकंड, ठीक है? नहीं, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, राइट? है ना सर? 2 आर होगा. करेक्ट. तो इसने पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना लगता है उसको टाइम? सेकंड, राइट? और वो मूव कर रहा है कितने मिनट के लिए? 2 मिनट 20 सेकंड के लिए, राइट? यस सर. 120 सेकंड प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड, राइट? तो 140 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशंस कर चुका होगा? 140 बाय 40, करेक्ट? सर 2.5, दैट इज द यस राइट. 2.5 या 3.5? 3.5 सर. 7/2 निकल रहा है. यस सर. वो यहां से निकल रहा है तो पूरा एक चक्कर लगाया, राइट? है ना? यस सर. लगाया, राइट? फिर तीसरा चक्कर लगाया, फिर थर्ड भी लगाएगा, फिर थर्ड का आधा, फिर आधा 3.5, मतलब वो यहां पर आधा सर्कल गया होगा. अगर ये रेडियस आ रही है, रेडियस आ रहे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r, राइट? 2r. यस सर. और उसने व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 2r, राइट? व्हाट इज डिस्टेंस? यस सर. एन का भी अंडरस्टूड? यस सर. फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूं स्टूडेंट. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 10. If wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution, if wheel of radius 1 meter rolls forward, मतलब ये एक wheel है, मान के चलो, correct? है ना? वो forward की तरफ roll कर रहा है. स्टूडेंट ये ग्राउंड मान के चलो, करेक्ट? और वो फॉरवर्ड की तरफ रोल कर रहा है इस तरह, करेक्ट? है ना? यस सर. हां यस सर. मतलब ये पॉइंट अगर यहां है तो आधा रोटेट करेगा. जब आधा रोटेट करने के बाद जो पॉइंट नीचे में था वो पॉइंट यहां तक आ गया होगा ना? मतलब हां सर, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट ऐसे आ गया ना जब आधा रिवॉल्यूशन करेगा तो, ठीक है? नहीं, यस सर. मतलब ऐसा सिचुएशन होगा ना, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि नहीं? यस सर. ए पॉइंट जो बॉटम पे था वो ऊपर चला जाएगा. पूरा रिवॉल्यूशन होता तो ये पॉइंट यहां तक आ जाता, करेक्ट? यस सर. मम्मी अभी रिजल्ट है मुझे, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील, जो ये ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसने पूछा है, करेक्ट? है ना? यस सर. डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे ना. ये मेरा इनिशियल था, दिख रहा है सबको, ये मेरा फाइनल है, करेक्ट? है ना? और ये पाई आर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा एग्जैक्टली? 2r ना? 2r, ठीक है? नहीं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? यस सर. डिस्टेंस पाई आर है और ये वाला डिस्टेंस 2r है, तो क्या हम ये वाला निकाल सकते हैं आराम से डिस्प्लेसमेंट? यस सर. पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का रूट ओवर. यस, डिस्प्लेसमेंट पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर का रूट अंडर, राइट? यस सर. तो अगर मैं कॉमन ले आऊं तो दैट इज r, कॉमन लाने से r स्क्वायर बाहर आएगा r, तो यहां पर पाई स्क्वायर है अंदर में प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, है कि नहीं? यस सर. एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट? This is visible. Just copy it. Written, sir. Students, last year आया था question 2020 में, ठीक है? The velocity in meter per second, time in second, एक graph दिया हुआ है, ठीक है? नहीं, body in a straight line motion. The point S, ये जो S point है, इस point का नाम उसने S दिया रखा है, ठीक है? इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम एस और इस पॉइंट का नाम डी दिया रखा है, ठीक है? द पॉइंट एस इज एट 4. मतलब ये जो क्रॉस कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, टाइम एक्सिस को, ठीक है? नहीं, वो 4.333 सेकंड में क्रॉस कर रहा है. तो उसने पूछा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट? उसने पूछा है द टोटल डिस्टेंस
covered by the body. Total distance covered by the body in 6 seconds, right? Total distance covered by the body in 6 seconds, ठीक है? और स्टूडेंट ऑप्शन भी दिया रखा है, चलो वो भी लिख देता हूँ. 37/3 meter, right? 12 meter, next 11 meter, next 49/4 meter, right? है ना? तो बताओ क्या होगा? स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट? यस सर. अगर यहां पर वो डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम क्या करते? तो स्टूडेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहां पर? वेलोसिटी इनटू टाइम ना स्टूडेंट. बट वो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है ना, वो डिस्टेंस पूछा है. तो मतलब डिस्टेंस मतलब क्या है? डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता रहता है टाइम के साथ, करेक्ट? यस सर. यस सर. करना होगा, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव मी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. अगर डायरेक्शन ले लूं, अगर बिना डायरेक्शन की बात करूं तो डिस्टेंस, करेक्ट? यस सर. अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम क्या करते? इसका एरिया निकाल देते, ये जो फिगर दिख रहा है, करेक्ट? ये जो फिगर मुझे दिख रहा है अभी, इसका एरिया निकाल देते, करेक्ट? यस सर. ठीक है, ठीक. और इसका एरिया भी निकाल देते, करेक्ट? अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछता स्टूडेंट, तो ये दोनों एरिया को हम क्या करते? सब्स्ट्रैक्ट कर देते, राइट ना? यस सर. बट ये डिस्टेंस पूछा है ना सर, ऐड करेंगे इन दोनों को. यस सर. राइट. और ये किस तरह दिख रहा है? दिस इज लुकिंग लाइक ए ट्रेपेजियम आई थिंक, करेक्ट सर? एक ट्रेपेजियम और एक ट्रायंगल. 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 ठीक है. ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? है ना? यस सर. यस सर. लेकिन नहीं, तो हमें एप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होगा. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट? यहां से आप लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, राइट? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? करेक्ट? यस सर. यस सर. नो. यस सर. S is equal to क्या हो जाएगा? चलो ट्रेपेजियम का बताओ. Half into sum of parallel sides into height ना? Yes sir. तो half लिख sum of parallel sides कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना है? One है ना? Correct? Yes sir. No. Yes sir. 2 and 3 के बीच में. और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4.33. 3. तो मतलब sir 2.33 हो जाएगा. नहीं, total distance है 4. ये 4 यहाँ तक 4 है ना? हमने ले लिए, करेक्ट? बेस कितना है? बेस यहाँ से यहाँ तक 4.3326 कितना है? तो 2.77 समथिंग. अप्रोक्सीमेटली 5/3, करेक्ट? यस सर. यस सर. नो. यस सर. इनटू हाइट इज 2, है ना? यस सर. स्टूडेंट पूरा इसको सॉल्व कर दो, अप्रोक्सीमेटली 37/3 meter आएगा, राइट? यस सर. यस सर. जस्ट नोट इट. रिटन सर. देखो और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वही 2019 में आया था 9th अप्रैल को, है कि नहीं? ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स. क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा दिया हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू गिवन at प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू, राइट? फॉर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, राइट? है ना स्टूडेंट्स? करेक्ट? यस सर. तो उसने दिया हुआ है व्हेन पार्टिकल अटेंड्स जीरो एक्सीलरेशन, राइट? व्हेन पार्टिकल दिया हुआ है व्हेन पार्टिकल अटेंड्स जीरो एक्सीलरेशन,
correct? Then its velocity will be, then its velocity will be कितना होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है, a plus b square by 4c, 4c दिया हुआ है. सेकेंड ऑप्शन पे दिया हुआ है a plus b square by 3c, करेक्ट. थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ है a plus b square by c, और फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ है a plus b square by 2c, राइट. जस्ट नोट द क्वेश्चन. अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो पहले आपको ऑलरेडी बेसिक्स आइडिया पता होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस सर. एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? यस सर. एंड दैट इज इक्वल्स आल्सो डी बाय डीटी ऑफ. सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें इंटीग्रेशन डालते हैं या फिर डिफरेंशिएशन डालते हैं? देखते हैं हम कहां से कहां तक जा रहे हैं. मुझे किस तरफ में आगे से, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के तरफ या एक्सीलरेशन के तरफ जा रहा हूं, या एक्सीलरेशन से वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के तरफ आ रहा हूं, करेक्ट? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds / dt, करेक्ट? और यहां पर क्या हो गया, d स्क्वायर x / dt स्क्वायर, राइट? है कि नहीं? तो मतलब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डेरिवेटिव करने से क्या आता है मेरा, वेलोसिटी, राइट? फिर अगर वेलोसिटी को मैं डेरिवेटिव करता हूं, मतलब डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मेरा क्या आता है, एक्सीलरेशन, है ना? तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से एक्सीलरेशन आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखा दिखाता हूं मैं. तो v is equal to dx by dt, है ना? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आया, एक्सीलरेशन आ गया, करेक्ट? ठीक है. नहीं देखो स्टूडेंट्स, यहां पर v is equal to dx by dt, है ना? x dx is equal to v dt, ना? Yes, sir. dx. तो अगर मुझे x निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx vdt को, है कि नहीं? Yes, तो velocity को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, displacement, ना? Correct? Yes, sir. तो मतलब पीछे जाते हैं. हाँ, अगर acceleration is equal to dv by dt, right? Then dv is equal to adt, right? अगर मुझे velocity चाहिए तो मुझे dv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा adt में. Yes, sir. तो acceleration को इंटीग्रेट करने से मैं कहां पहुंचता हूं, velocity के तरफ, ना? Yes, sir. अगर यहाँ पर हमने लिख दिया कि displacement को derivative करें, velocity आ गया, correct? Velocity को derivative किया, acceleration आ गया. अगर मैं acceleration को integrate करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? Velocity मिलेगा. Velocity मिलेगा. Integrate करूँगा तो with respect to time, everything is with respect to time. अगर मैं velocity को integrate करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? Displacement. है ना? और यहाँ पर उसने displacement दिया हुआ है और बात की है किसी की एक्सीलरेशन की, तो डेफिनेटली मुझे डिफरेंशिएट करना डेरिवेटिव है. चलो उसी तरह चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर. x ऑफ t कितना दिया हुआ है, दैट इज at plus bt square minus ct cube, राइट? है ना? यस सर. तो स्टूडेंट मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में दिया हूं, ठीक है? उसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सारे है, आप देख सकते हो, सारे देख के नोट्स बना दो, सो दैट डिफरेंशिएशन और फर्स्ट में a होगा, फिर तो vt is equal to how much, velocity is equal to dx by dt, तो at का हो गया a plus bt square का हो गया 2bt minus ct cube, मतलब 3ct square, right? yes sir. अगर मैं इसको फिर acceleration निकालूं, acceleration is a function of time करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dv by dt करना होगा, yes sir no? yes sir. तो इसको और एक बार differentiate करेंगे तो कितना आएगा, a तो 0 हो गया, तो 2b माइनस 6ct, करेक्ट? यस सर. और हम चाहते हैं कि एक्सीलरेशन 0 कितने टाइम पे होगा, मतलब 2b माइनस 6ct को मुझे 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, राइट? यस सर. चलो देखते हैं 6ct इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b, तो t कितना हो जाएगा मेरा, 2b / 6c, करेक्ट? यस सर नो? यस सर. 2b / 6c, है ना? सो दैट इज द टाइम, यस सर नो? वेलोसिटी कितना होगा जहां पर एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो टी को यहां पर मतलब टी का वैल्यू डालनी है आपको. यस यस यस. प्लस 2b रख दिए, टी की जगह में क्या डाल दिए, 2b / 6c, राइट?
माइनस थ्री सी को रख दिए, टी के जगह में टू बी बाई सिक्स सी डाल दिए, करेक्ट, का स्क्वायर कर दिए, है ना, सॉल्व कर दो, ए प्लस फोर बी स्क्वायर बाई सिक्स सी माइनस माइनस सिक्स सी बी स्क्वायर बाय सिक्स सी, करेक्ट सर, सिक्स ट्वेल्व निकलेगा ना सर, टू का स्क्वायर फोर एंड फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, तो वो कितना हो गया, हो जाएगा सिक्स को कैंसिल करोगे टू रहेगा सिर्फ, है कि नहीं, टू बी स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाय थ्री सी रहेगा, करेक्ट, सिक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ पर ए भी रख गया और यहाँ पर फोर बी स्क्वायर बाय सिक्स सी, है ना, तो ए प्लस फोर बी स्क्वायर by 6c, correct? Sir, इसको भी कम reduce कर देते हैं, 2 by 3 हो जाएगा। और यहाँ पर minus कितना रहेगा, यहाँ पर देखो 1 by 3 b square by c, b square by 3c, right? Yes, sir. ये होगा ना, और a plus थोड़ा solve कर दो, 2 by 3 b square by c, correct? minus 1 by 3 b square by c, right, है ना? Yes, sir. जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो that is velocity is equal to a plus b square by c आएगा, क्योंकि 2 minus 1 हो जाएगा, right? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ का 2 कहाँ आ गया? देखेंगे बेटा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, 2 का b, right? कौन सा 2 बेटा? The last वाला स्टेप समझ नहीं आया। 1 by 3 common ले लिया, 2 minus 1 इसको सब्सट्रैक्ट करो। Yes, sir. Yes, sir. Understood? तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन पे, जस्ट सी, द पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड v इज इक्वल टू b रूट x, राइट, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, है ना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू tau, राइट, अज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल ओरिजिन पे है, है कि नहीं, ओके, राइट, सो एक चीज देखो, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है क्या ये टाइम के साथ दिया हुआ है, कहीं पे टी है क्या? नो सर, बट मुझे उसने स्पीड पूछा है ना, यस सर, यस सर, यस सर, इसीलिए आपको ये टेक्निक भी जानना चाहिए कि हाउ टू डिफरेंशिएट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अ न्यू वेरिएबल, ये सर, यस सर, यस सर, एक्स दिया हुआ है, पहले वो चीज बताता हूँ फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, मतलब v इज इक्वल टू b रूट अंडर x दिया हुआ है, करेक्ट, अगर मैं v को डिफरेंशिएट करूं तो dv by dt, dv by dt मुझे क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा ना, ठीक है, यस सर, बट मुझे एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है, उसने मुझे स्पीड पूछा है, ठीक है, सर, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वही पे दिखते हैं स्टूडेंट, देखो dv by dt है, क्या हम ऐसे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dv by dx लिख सकता हूं, और जस्ट अ मिनट, dv by dt मैंने रखा, क्या मैं यहाँ पर एक dx मल्टीप्लाई और एक dx डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? Yes sir, yes sir. तो बिना किए, बिना मैं एक dx को इस तरफ ले आया, dt को इस तरफ ले आया, कुछ गड़बड़ किया क्या? अभी भी तीन रूल, यस, तो dx by dt क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, सो मतलब dv by dt को भी हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म पे लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो dv by dx लिख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप सेंड करेंगे क्या? dv by dt students is equal to acceleration, right? Acceleration is equal to dv by dt, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ds को मल्टीप्लाई किया और एक dx, क्योंकि मुझे dx के साथ चेंज जानना है, बट ये जो फंक्शन है टाइम के साथ नहीं है, है ना, dx2 में कैसे इंटीग्रेट करूंगा t के साथ, नहीं कर सकता हूँ ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक dx मल्टीप्लाई किया, एक dx डिवाइड किया, ठीक है, फिर मैंने इन दोनों चीज को इंटरचेंज कर दिया, dx को इस तरफ ले आया और dt को इस तरफ ले गया, कुछ गलत किया क्या? नो सर, नो सर, और dx by dt इज वेलोसिटी ना, यस सर, हमारा वेलोसिटी x दिया हुआ है, करेक्ट, मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो आई कैन राइट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v इनटू dv बाय dx, लिख सकता हूं कि नहीं, नो प्रॉब्लम, यस सर, सर इसमें v का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यस, तो v लिख दिया हमने, d बाय dx रख दिया हमने, वेलोसिटी ऑफ यहां पर कितना दिया हुआ है, भी करेक्ट,
है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो इसमें फर्स्ट वाला भी तो वेलोसिटी है ना? हाँ वेलोसिटी है, तो उसमें क्यों नहीं फुट की वैल्यू? नहीं उसमें मैं फुट नहीं करूंगा, उसको मैं बाहर रख दिया, मुझे वो चेंज जानना है, ठीक है? फुट करूंगा मैं, थोड़ा रुको, I will put that. तो यहाँ पर acceleration is equal to how much? V रख दिया हमने, है कि नहीं? V भी बाहर ले आया, root x का derivative क्या है? 1 by 2 root x है ना? Yes sir, no? है कि नहीं students? Yes sir. 21 by, और velocity कितना है मेरा? Velocity is also V root x, yes sir, no? V root x into V, correct? Yes sir, no? Into yes, sir. 1 by 2 root x. पुट तो कर दिया ना हमने, करेक्ट है कि नहीं? यस सर, यस सर, पुट कर दिया, कोई पूछ रहा था ना अभी, ठीक है? तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरा? बी स्क्वायर बाय 2 मिल गया ना? यस सर, यस सर, नो? यस सर। चलो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, राइट? यस सर, इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 है ना? यस सर, यस सर। And acceleration is equal to how much? Velocity into time, na? Yes, sir. Yes, sir. No. Acceleration is equal to velocity. No, sir. Acceleration is equal to velocity by time होता है. तो velocity कितना हो जाएगा? Acceleration into time हो जाएगा ना, correct? Yes, sir. तो मेरा acceleration कितना आया already? B square by 2 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो B square by 2 into time कर दिया हमने, correct? Sir, वो time का वो symbol. टाइम का पुट करेंगे हम, तो मेरा वेलोसिटी को मैंने टाइम की एक्सप्रेशन पे ले आया कि नहीं? कांस्टेंट नहीं होगा इधर? कौन सा वाला कांस्टेंट? सर वो इंटीग्रेट करने के बाद जो कांस्टेंट आता है। नहीं बेटा, ये डेरिवेटिव, यहां तक इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, यहां पर टोटल डेरिवेटिव में चल रहा है खेल, ठीक है? ओके ओके सर, ठीक। तो स्टूडेंट, v इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय t आ गया ना, मतलब वेलोसिटी जो था यहां पर √x, b √x, उसको मैंने टाइम की फॉर्मेट पे ले आया कि नहीं? यस सर, यस सर। तो अभी उसने क्वेश्चन पे दिया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टाउ, मतलब v स्क्वायर बाय 2 करके t की जगह पे क्या टाउ डाल देंगे, करेक्ट? यस सर, यस सर। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? देखो ऑप्शन b सर, v स्क्वायर टाउ बाय 2 ना, तो वेलोसिटी, यस सर, ऑप्शन b, ऑप्शन b, स्क्वायर टाउ बाय 2, करेक्ट? यस सर, यस सर। कौन सा है? जस्ट नोट इट, नोट इट सर। Since ax covered by a particle in one dimensional motion varies, x square is equal to at square, ठीक है, plus 2bt plus c. Acceleration of the particle depends x to the power minus 1, where n is the integer, तो है value of n हमें निकालना होगा, ठीक है? Students, क्या दिया हुआ है? X square is equal to how much? At square plus 2bt plus c, right? Then how x, how is, what is x? क्या हो जाएगा? रूट ओवर, ठीक है, at square plus 2bt plus c का रूट ओवर, करेक्ट और नॉट? यस सर, नो सर, यस सर। तो अभी हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? dx by dt, राइट? है कि नहीं? यस सर। सो दैट इज dx by dt ऑफ, सॉरी, dx by dt ऑफ इसका at square plus 2bt plus c का हाफ, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर, नो? यस सर। डेरिवेटिव का टेक्निक आपको सीखना होगा। इस पूरा फंक्शन को आपको x लेना होगा, ठीक है? फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, मेरे डेरिवेटिव की लेक्चर्स आप देख लेना, व्हेन देयर इज ए फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, तो इंटरनल फंक्शन जो है उसको हम x कर, x अज्यूम करते हैं, फिर उसको नई वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है? सर आप लॉग का वीडियो बनाए हो क्या? इसका कितना लॉग फंक्शन सर? हां हां, उसमें है लास्ट पे। यस सर। तो स्टूडेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो, इसको पूरा बाहर ले आते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c टू द पावर माइनस हाफ, है कि नहीं? इनटू अंदर में जो है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है 280, ए स्क्वायर का 280 प्लस 2b, c तो कांस्टेंट है, राइट? ये हो गया मेरा वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट्स, है ना? और अभी इसको दोबारा एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? dv बाय dt करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो जब dv by dt करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो, यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है? मतलब at square plus 2b plus c to the power minus half and 280 plus 2b इस तरह है, ठीक है? देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये आपको नेक्स्ट ईयर के एंड पे देना है, ठीक है? तो उस टाइम पे आप मैथ्स की डेरिवेटिव भी पढ़ लिए होंगे, जिन लोगों का मैथ्स है, ठीक है?
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर अभी तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों का मैथ्स है वो तो मैथ्स पढ़ ही लेंगे थोड़ा, तो और आसान लगेगा ट्वेल्थ के बाद, है कि नहीं। और जिन लोगों का मैथ्स नहीं है वो लोगों भी बहुत सारे डेरिवेशन करने के बाद इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के ऊपर भी थोड़ा आइडिया बन जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो चलो डेरिवेटिव की टेक्निक के हिसाब से यहाँ पर मैं डीवी बाई डीटी अगर निकालूंगा सो दैट विल बी हाउ मच, देखो ये हाफ आके और एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इट विल बी एट स्क्वायर प्लस टू बी टी यहाँ पर है प्लस सी टू दी पावर माइनस हाफ जो था, ठीक है, नहीं इनटू पहला का डेरिवेटिव करेंगे फिक्स रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स निकालेंगे, ठीक है, फिर दूसरा को फिक्स रखे उसका डेरिवेटिव निकाल, डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्लस 280 प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, नहीं इनटू ये दिक्कत होगा इसको आपको अपने डेरिवेटिव निकालने में, ठीक है, आप डेरिवेटिव का लेक्चर देख के फिर इस पे आ सकते हो, ठीक है, c टू द पावर माइनस 3/2, है ना, समझ पाया स्टूडेंट्स? यस सर। तो इसको पूरा सॉल्व करके हम जब सॉल्व करते हैं तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, हमें ये मिल जाएगा, तो ये एक इक्वेशन पे आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, एक्सेलरेशन द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एंड दैट इज x टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पूरा आया इसको कॉमन लेके हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a इंटू x, यहाँ से जो x है उसको लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू a माइनस ए टी प्लस बी का टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ब्रैकेट रीओपन करके हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा मैथमेटिकल है मेंस का क्वेश्चन तो इसलिए दिक्कत होगा, तो डोंट वरी फॉर दैट, तो ए एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए इंटू पूरा अभी डाल देंगे वैल्यू ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इसको थोड़ा मतलब ब्रैकेट ओपन करने के बाद पूरा ये करके हम ये मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन की टर्म्स पे दिया हुआ है इंटीजर की टर्म्स पे, तो दैट इज ए इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय एक्सेस क्यू, राइट, तो एक्सेस क्यू आप देख सकते हो यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्सेस क्यू, राइट, सो उसका मतलब है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस 3, ये मिल गया, तो एक्स टू पर एन जो दिया था तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3, तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, बाकी क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, डिफरेंशिएशन तो विद टाइम आपको आसान लगेगा, ठीक है, बस वही हमने कैसे वेलोसिटी निकाले कैसे एक्सेलरेशन निकाले लास्ट में उसको कैसे एक्स की फॉर्मेट पे लाए, ठीक है, दैट इज द थिंग टू बी अंडरस्टूड, करेक्ट? यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ पे आ जाएगा डेरिवेटिव हल्का हल्का से, ठीक है।